सिंध हुकूमत का कराची में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के मुतालिक अहम इजलास। शहर में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। इजलास में कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और DIG ट्रैफिक समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में काले शीशे वाली गाड़ियों, सायरन, बाल लाइट और गैर कानूनी नंबर प्लेट्स के इस्तेमाल के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला किया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने DIG ट्रैफिक को हिदायत देते हुए कहा, फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को कब्जे में ले लिया जाए और गैर कानूनी फैंसी नंबर प्लेट्स बनाने वालों के खिलाफ भी आज से कार्रवाई की जाए। चीफ सेक्रेटरी ने DC ईस्ट को यूनिवर्सिटी रोड के सर्विस रोड से हर किस्म की पार्किंग को हटाने की हिदायत दी। इजलास में DIG ट्रैफिक ने बताया, रवा साल में अब तक 15,704 ड्राइवरों को खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया, जबकि अब तक 3,421 गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट मौतल किया गया। इजलास में चालान के डेटा को भी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मुंसलिक करने का फैसला किया गया, जिसके लिए सेक्रेटरी एक्साइज, सेक्रेटरी IT, DIG ट्रैफिक, DIG ड्राइविंग लाइसेंस पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी गई है। अफजाल खान, Z110 न्यूज, कराची। Z110 न्यूज, खबर की असल खबर।